ये है दोस्तों महिंद्रा की अल्फा डी एक्स BS6 वाली पैसेंजर ऑटो, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये दोस्तों अवेलेबल है BS6 में, डीजल वेरिएंट आपको मिलेगा, पैसेंजर वाले ऑटो है जैसे कि आप देख रहे हैं। साथ ही आपको इसमें अब दोस्तों सेफ्टी डोर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलने लगा है, जो बहुत ही शानदार बात है। तो आज हम बात करेंगे इस ऑटो की हमें कीमत क्या देखने को मिलेगी साल के अंत तक, तो वीडियो को लाइक करके बने ही रहेगा। मॉडल की बात करेंगे महिंद्रा के दोस्तों, अल्फा में आपको यहाँ पर ये दो मॉडल देखने को मिल जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे अल्फा DX के बारे में। एक और दोस्तों आपको मिलता है महिंद्रा कम्फी, उसके बारे में आने वाली वीडियो में बात करें। तो अगर आप लेते हैं महिंद्रा की अल्फा DX BS6 वाली वेरिएंट डीजल में, तो आपको पड़ेगी इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत 2,95,000 रुपये, RTO अमाउंट, रोड टैक्स, RTO के एक्सपेंसेस, साथ ही आपको दोस्तों इंश्योरेंस चार्जेस ऐड करने के बाद आपको पड़ेगी इस वाली पैसेंजर ऑटो की ऑन रोड कीमत 3,25,000 रुपये से लेकर 3,30,000 रुपये तक के बीच कीमत की रेंज। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, इसी रेंज के बीच आपको ऑटो देखने को मिलेगी, लेकिन आपको बता दें एक शोरूम कीमत आपको लगभग से दोस्तों सारे शहर में ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऑन रोड कीमत अपने शहर के हिसाब से जानने के लिए आप कमेंट करिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इसमें आपको थोड़ा मोड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं RTO के चार्जेज और रोड टैक्स हर शहर की हर जिले के अलग अलग होते हैं, तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग से आपको 3,25-3,30 के बीच आपको ये ऑटो मिलने वाली है। तो कैश कीमत दोस्तों आपकी लगभग से यही हो गई 3,25 के आसपास। अगर आप सोचते हैं इस वाली ऑटो को लोन पर लेने के लिए, करते हैं 95,000 रुपये तक की डाउन पेमेंट, और अगर ऑन रोड कीमत रहेगी आपके शहर में 3,25,000 रुपये, तो इसके हिसाब से आपको लगभग से लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 2,30,000 रुपये का। दोस्तों बात करेंगे मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में, तो आपको बता दें आप केवल 65,000 रुपये तक की भी आप मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इस ऑटो को घर लेकर आ सकते हैं। और फेस्टिवल की बात करेंगे और भी आपको कम डाउन पेमेंट की यहाँ पर सुविधा आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा जितनी आप ज़्यादा डाउन पेमेंट कर पाएँ उतनी करिए, ताकि दोस्तों आपकी जो EMI थोड़ी सी कम आ जाए, क्योंकि वो आपको आने वाले समय में हर महीने आपको देनी है। स्वागत है आपका मेरे वाले चैनल में, कार और बाइक के बारे में सही कीमत और उसकी सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ ही इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए। तो मेरे हिसाब से लगभग से 95,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 2,30,000 रुपये का। अगर आप कहते हैं कि आने वाले 4 साल के अंदर आपको इस ऑटो की आपको EMI पेमेंट कर देनी है, इंटरेस्ट की रेट अगर रहेगी 9.5%, तो आपकी हर महीने की EMI निकल कर आएगी 5,778 रुपये। तो दोस्तों काफ़ी शानदार आपको यहाँ पर EMI आपके बजट में निकल कर आ जाती है। बात करेंगे माइलेज के बारे में, जो सबसे प्लस पॉइंट है इस वाले ऑटो में दोस्तों आपको मिलेगी, कंपनी क्लेम करती है 28.9 KMPL तक की माइलेज, जो बहुत ही शानदार है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दोस्तों, माइलेज डिफर करती है सड़क कैसी है, कैसे आप जो है गाड़ी चलाते हैं, कितनी बार आप क्लच ब्रेक यूज़ करते हैं, तो आपको माइलेज में अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंपनी इतना कह रही है तो आपको लगभग से इसी के आसपास आपको माइलेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस वाले ऑटो की दोस्तों टॉप स्पीड है 54 किलोमीटर/आवर की। दोस्तों ये थी महिंद्रा अल्फा DX BS6 पैसेंजर ऑटो की कैश पे कीमत, लोन पे कीमत। तो आपको दोस्तों अपने शहर के हिसाब से कीमत जानने के लिए आप कमेंट करिएगा, कोशिश करूंगा मैं जल्द आपको रिप्लाई करने की। फिर भी आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कीमत क्या रहेगी आपके शहर में। तो वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, शेयर करना तो बनता है दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को जानकारी वाली वीडियो यहीं पर पाने के लिए। धन्यवाद।